मैं हौलदार चंदन पांडे, पूरे एनएसजी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी, गांधी मैदान पटना में आपका स्वागत करता हूं। अभी बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर बिहार पुलिस के लिए कैसे हम सीजर, कैसे बेली, कैसे टाइगर, बहुत सारे वीडियो हमारे जाके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सबसे जल्दी 5 फीट हाई जंप, सीजर हो या टाइगर हो या बेली हो, हमारी संस्था द्वारा सिखाया जाता है। तो आज मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि बेसिक से कैसे फांदते हैं। इस वीडियो को लंबे समय तक अगर देख लिए, सारे बच्चों को एक बार फास्ट एक बार स्लो करके डालूंगा, उसको आपको जाके देखना है और सीखना है कि स्टेप कहाँ से पढ़ना है, मेरा राइट पैर उठता है कि मेरा लेफ्ट पैर उठता है। तीनों तरीके का जंप यहाँ पर हम सिखाते हैं बच्चों को, कि बच्चा वहाँ पर जाके ये महसूस ना करे कि काश मुझे ये जंप आता है। अभी SI में देख लिए, बिहार पुलिस SI में मैंने बच्चों को हर तरह का जंप सिखाया, तो कोई भी बच्चा मेरा जंप में फेल नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, कुछ बच्चे हुए जो नहीं सीख पाए, जो नहीं कर पाए हुए हैं, लेकिन आपको बेसिक से कैसे देखा, एकदम स्लो स्लो में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कैसे जंप करना है। रेडी चलो मूव, पैरों पर ध्यान से देखिए, ये बेली आया तो पूरा होगा। पैरों पर ध्यान दीजिए, खास तौर पे आपको मूवमेंट के ऊपर ध्यान देना है कि कैसे हमारा बच्चा मूव कर रहा है, इस मूवमेंट के ऊपर ध्यान देना है। इनके पैरों के ऊपर ध्यान दीजिए, लैपिंग, ये जो आगे तरफ बॉडी को मूव कर रहे हैं, कैसे उसको बॉडी को मूव कर रहे हैं, इन सब छोटी छोटी चीजों पर आप अगर ध्यान दीजिए तो घर में रह के भी आप बेसिक हाई जंप सीख सकते हैं। आप इनके पैरों को ध्यान से देखिए, ये जंप, इन्होंने जो बेली मारा तो पैरों के ऊपर बैलेंस करके मारा, तो ये चीज आपको सीखना है। आपको हर जंप सीखना है, टाइगर भी सीखना है, बेली भी सीखना है और सीजर भी सीखना है, तभी आप बिहार पुलिस में अपने नंबर को आप बढ़ा सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये पैरों के मूवमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं, इसमें ये नहीं कि आप वहाँ 1 किलोमीटर से दौड़ के आइए और स्पीड में मार दीजिए, नहीं हो पाएगा। बेसिक चीज सीखना आपको नीड है। सीजर आ जाओ, देखिए 2 से 3 तरफ, ये पैर पर ध्यान दीजिए, पैरों के मूवमेंट पर ध्यान दीजिए। एकदम आराम, एकदम इजीली तरीके से, कोई स्पीड नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं। अब इधर से दिखाते हैं, लेफ्ट साइड से देखिए, अब राइट साइड से दिखाते हैं, बंद कर दे, इधर आ जाए। राइट से उठता है, उसको लेफ्ट साइड से कैसे फाड़ना है ये हमने दिखाया। अब देखिए राइट साइड से कैसे बच्चे फाड़ते हैं, 1 से 2 कदम पे, ज्यादा भी प्रेशर नहीं देते। ये 4 फीट है और 4 फीट को आप 1 दिन में 2 दिन में सीख सकते हैं। 4 फीट या तो सीजर, नहीं तो बेली, नहीं तो टाइगर, सीजर और बेली। बेली पर भी ज्यादा बच्चे सीखने पर ध्यान दीजिए, और कैसे बेली जंप को 1 दिन में सिखाया जाता है देखिए ध्यान से। ये अभी सीजर मारेगा, आ जाओ, ये देखिए 1 2 3 बस इतना ही, इतने की आवश्यकता है, आ जाओ। ये एक तो ये पैरों पे ध्यान दीजिए, पैरों के मूवमेंट पे ध्यान दीजिए। चलिए ये पैरों के मूवमेंट पे ध्यान दीजिए। ये इसने थोड़ा सा गलती किया, इसने बैक लगाया। कभी भी आप जंप लेते हो तो बैक नहीं माना, इसे टच होगा और ये गिरने की संभावना है। आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखो हल्का सा, ये देखिए ये पैरों पे ध्यान, बहुत भाई इधर से फना राइट पैर उठेगा ना, इधर से फना राइट उठेगा, राइट उठाओ, राइट पैर, ये राइट पैर, राइट पैर, ये बहुत बढ़िया, चला जाओ, ये राइट पैर उठाइए, राइट पैर, राइट पैर, शाबाश, चलिए राइट पैर उठाइए, राइट पैर, राइट पैर, शाबाश, चलिए राइट पैर, राइट पैर, राइट पैर, शाबाश, चलिए चलिए ये देखिए ये शाबाश। चलिए राइट पैर, चलिए चलिए चलिए, ये देखिए ये ध्यान दीजिए, ये आपको ध्यान देना है, छोटी ये ध्यान देना है, चलिए ये देखिए ये राइट पे, ये ध्यान देना है, चलिए राइट,
साइड राइट पैर, ये शाबाश, ये हुआ आपको दाहिने साइड से सीजर जंप कैसे करना है, बाएं साइड से सीजर जंप कैसे करना है। अब हम आपको दिखाएंगे कि बेली जंप कैसे करना है। आपको हर तरीके से जंप सीखना है, हर तरीके जंप सीख लीजिएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। बेसिक तो आपको आना चाहिए ना कम से कम। अब देखिए कि हम आपको बेली दिखाएंगे कि बेली जंप कैसे करते हैं, अब बेसिक से सिखाएंगे। अभी चलो, अभी हम आपको दिखाएंगे कि बेली जंप, ये भी आपको जंप किसी भी फोर्सेज में, चाहे सीपीओ में जा रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस में जा रहे हो, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी फोर्सेज का बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हो, या छत्तीसगढ़ पुलिस का तैयारी कर रहे हो, या किसी भी फोर्सेज का, तो आपको एक और जंप होता है जिसको अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चों को सीजर जंप नहीं आता तो बेली जंप मार के वो अपना वहाँ पर नंबर उठा सकते। तो देखिए बेली जंप आपको एकदम छोटे छोटे पॉइंटों से देखना है, एकदम स्लो मोशन में देखना है और फास्ट में देखना है। आपको दोनों तरह का वीडियो डाला जाएगा और बेसिक से सीखना है, बेसिक तो आपको आना ही आना चाहिए। तो देखिए कैसे हमारे बच्चे बेली फास्ट, देखिए बेली जंप को कैसे करते हैं बेसिक से। आप सीपीओ में भी जाके एक दिन आप बेली को मार सकते हो, एक दिन में सीजर मार सकते हो, एक दिन में टाइगर भी वहाँ मार सकते हो, लेकिन आपको मारने की क्षमता होनी चाहिए। मिट्टी पर टाइगर कैसे मारते हैं वो भी हम आपको वीडियो मार के देखेंगे। देखिए पैरों के ऊपर मूवमेंट, ये जो मूव हुआ कैसे इसने मूव करके आगे पोजिशन अपना डाला, इस चीज के ऊपर होगा ध्यान देना। तो देखना है इस पैर के ऊपर ध्यान देना, ये ब्लाइंडिंग आपको पोजिशन आना चाहिए, क्यों नहीं, हाथ पैर के ऊपर कैसे वहां पे पोजिशन अपना डालना। देखिए ध्यान दीजिए पैरों पे, ध्यान दीजिए ये मूवमेंट हुआ, ये लैंडिंग का, ये अगर आपको आ गया आप एक दिन में सीजर बेली टाइगर मार सकते हैं। कोई जंप में आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम है ना हम सिखा देंगे। आइए तब सही आजा, अरे पैर को खाओ, पैर को खाओ, पहले पैर उठा के घूम जा, पैर उठा घूम, सामने रखो। जो कि एक दिन में हमारा रिकॉर्ड है कि लड़कों को मैंने 5-5 फीट भी सिखाया है। हमारे बच्चे मिट्टी पर भी कर लेते हैं, सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं। आपको लैंडिंग सबसे बड़ा चीज़ है, क्या है, आपको किसी भी जंप के लिए लैंडिंग आना चाहिए। तो हमारे बच्चे आपको लैंडिंग करके दिखाएंगे कि किस तरह से मिट्टी के ऊपर, हमारा लड़का सीपीओ में 689 पोस्ट में 4-8 टाइगर मार के आया था, एक लड़का 4-4 मारा और दोनों आज के डेट में जॉब में है, गया में पोस्टिंग। तो देखिए मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा बेसिक चीज़ टाइगर जंप का क्या होता है, लैंडिंग कैसे होता है, ये देखिए हमारे वीडियो पर। ये लैंडिंग, ये हाथ के ऊपर, ये हाथ के ऊपर और रोलिंग, हाथ के ऊपर लैंडिंग होगा, रोल कर कर दिया, आपको शरीर को नहीं पटकना है, शरीर को पटक गया तब चोट लगेगा। लैंडिंग हाथ हो गया, रोल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आपको रोलिंग आना चाहिए। चलिए लैंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट, ये हाथ के ऊपर जो इसने लैंडिंग किया ये इम्पोर्टेंट है। ये तरीका है, इन सब तरीकों को आपको फॉलो करना है और एक दिन में भोजपुर फिजिकल एकेडमी का एक रिकॉर्ड है कि एक दिन हम बच्चों को सीजर टाइगर या बेली सिखा के यहाँ से भेजते हैं। थैंक यू, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए, और आपको कौन सा जंप सीखना है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।